श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको पितरों को संतुष्ट कराने वाला एक विशेष उपाय बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में पितृ दोष है और आप चाहते हो कि पितर की प्रसन्नता हो, तो आपके जीवन में पितरों से जुड़ी हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। गुरुदेव बताते हैं कि यदि आप जानना चाहते हो कि आपके पितर संतुष्ट नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आधी रात को ही आपकी नींद खुल जाती है। जब आप एक दो घंटे सोते हो, तुरंत ही आपकी नींद खुल जाती है और आपको भूख लगती है और प्यास लगती है। यदि आपको ऐसा लगता है उठने के बाद आपको एक दो घंटा फिर से नींद नहीं आती है, तो समझ जाएगा आपके पितर भूखे या प्यासे हैं। इसलिए आपको उनकी संतुष्टि का विशेष उपाय करना ही चाहिए। आइए इस उपाय को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं कि किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी किए इस उपाय को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ तक जरूर शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनकी भी समस्या दूर हो सके। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपने केवल और केवल कच्चे दूध का लोटा लेना है। जी, आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और साथ में उसमें जल मिलाकर एक कच्चे दूध का लोटा तैयार कर लेना है। किंतु याद रहे, यह आपका तांबे के लोटे में नहीं होना चाहिए, या स्टील के बर्तन में होना चाहिए, या किसी भी और बर्तन में आप ले सकते हो, किंतु तांबे के लोटे में नहीं होना चाहिए। अब आपने इस लोटे को लेकर पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के पास, जिसे आप बरगद वृक्ष का पेड़ भी कहते हो। आपने वहां पर पहुंच के यह उपाय करना है, किंतु इस उपाय को करने का एक विशेष समय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 10 से 12 बजे के बीच का समय चयन करना होगा, और वहाँ पर आपने वटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे यह जल समर्पित करना है वट वृक्ष की जड़ में, और वहाँ पर पितरों को संतोष प्रदान करने की आपने विशेष प्रार्थना करनी है, और आप उनसे कहना है कि हमारे पितरों तक यह जल पहुँचा दे, ताकि वो भी संतुष्ट हो सकें। कहते हैं कि जिसके पितर प्रसन्न होते हैं, उसके जीवन के सारे अनायसी काम बन जाते हैं, उनके घर में कभी भी बड़ी समस्या नहीं आती है, ना ही कभी भी बड़ी बीमारी आती है। इसके अलावा जिनको लगता है कि उनके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसकी एक कारण पितृ दोष भी हो सकता है। इसलिए पितरों की संतुष्टि करने के लिए यह उपाय अवश्य करें। जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम की हाजिर जरूर लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।